आए आप हमारे यहाँ बाहर। ये देखिए हेजलनट, हेजलनट वो हेजलनट क्या करते हैं इनका खाने के लिए। अब रह गया है सीखने का काम, एक दो हाथ आज भी मारे थे मैंने तो थोड़ा डर लग रहा है अभी। ठीक है बोल बोल। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं विकीआचार्य आपका दोस्त और आप देख रहे हैं विकीआचार्य व्लॉग्स। और आज का जो व्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं गाइज, ये है धमसू जो बॉर्न है, धमसू जंगल है, वहाँ से कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ हरिपुर। हरिपुर के रास्ते में ही ये आता है धमसू बॉर्न जंगल, कलौन जिसे हम कहते हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मैं अक्सर यहाँ रुकता हूँ। इस रोड पे अगर आया तो काफ़ी अच्छा सा जंगल है, मज़ा आता है यहाँ पर थोड़ी देर बैठने का। ठंडी ठंडी हवा होती है, छाया होती है और सीन भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, काफ़ी बढ़िया है। ये नीचे रहा धमसू गाँव हमारा जंगल के दूसरी तरफ, और बाकी ये जंगल है, देवदार के पेड़ हैं बड़े बड़े। यहाँ पर बार बार रुकने की भी एक वजह है जो पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि मैंने यहाँ पर मोनाल का जोड़ा देखा था, मोनाल और करड़ी थी साथ में, दो तीन करड़ियाँ थी, एक मोनाल था और यहाँ पर दिखी थी। मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ बैठता हूँ तो शायद मुझे दिख जाएगी दोबारा से, क्योंकि ऐसे पक्षी देखने का जो मौका है कोई छोड़ना नहीं चाहता है, रेयर पक्षी हैं बहुत, मोनाल कहीं मिलते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। बस यही है मेन कारण, तो यही यहाँ रुकता हूँ मैं, थोड़ी देर रुक जाता हूँ। और अभी मैंने जैकेट पहनी है जिसकी वजह से मुझे थोड़ी गर्मी हो रही थी, और यहाँ पर ठंडी हवा है तो काफ़ी सही रहता है। यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर हो सकता है हरिपुर, 3-4 किलोमीटर शायद, तो अभी 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा मैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लेट हो रहा हूँ, बैठ सकता हूँ मैं काफ़ी टाइम यहाँ पर। अभी लवली भी मिला था पीछे, ठीक ठाक हम गप्पे मार रहे थे, काफ़ी देर बैठे हम 15-20 मिनट गप्पे मारते, तो ऐसा है गाइस। यहाँ नीचे काफ़ी अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं, देखिए नहीं देख पाएंगे आप, वहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। बहुत अच्छे होटल बन रहा है शायद ये। अब मैं ऐसा करता हूँ निकलता हूँ, हरिपुर में भी बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, थोड़ा भूख लग गई है। मैं हरिपुर में पहुँच चुका हूँ और अभी किचन में आया हूँ मैं, और ये रहे मेरे मामा जी और मामी जी जो कि श्राद्ध की तैयारी में लगे हैं। अरे वाह, आज तो सोमेश भी कुछ काम कर रहा है, ये कुछ कुछ तोड़ रहा है, कुछ खाने पीने का सामान है शायद। मिलिए मेरे मामा जी से, कैसे हैं जी आप? ठीक है जी, हूँ ठीक है। चाय चू पिलाओ फिर। गुट्टी ना तो ये है जी, देखिए हेजलनट, हेजलनट वो हेजलनट क्या कहते हैं इनका खाने के लिए, खाने के काम आते हैं, पता नहीं कैसे खाते हैं इनको। तो रेलवे मौसम बढ़िया, इंद्र पंडित भी गाय पर ये विशिष्ट वाला भी बूटी का काम करता है, ये 4-4 बार की कढ़ाइयाँ चढ़ाता है, 6 बार की भी है कहीं कहीं तो निकालता भी है, निकालने का तो बस बार नहीं है, चक के ले जाता हूँ कई बार, 6 बार की कढ़ाई। कीड़े काटने भी आ गए, कीड़े काटे जा रहे हैं, ये थोड़ी कीड़े वाला, ये बीन है, ये शनाई। तो गाइज फाइनली हमारी गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है वशिष्ठ में, और पार्किंग में लग चुकी है। अब अभी तो वैसे अंधेरा होने वाला है बहुत जल्द, तो बाकी का मैं तो आपको कल दिखाऊंगा। अब रह गया है सीखने का काम, एक दो हाथ आज भी मारे थे मैंने तो थोड़ा डर लग रहा है अभी, हल्का फुल्का डर है, लेकिन लगता है मुझे जल्दी निकल जाएगा डर भी, फिर चलाएंगे आराम से खुद ही। आज तो मेरा गुरु बन के आया था सोमेश, वो ऊपर है सड़क में बैठा हुआ, साथ में ही आया, क्योंकि
क्योंकि मेरे से तो लाई नहीं जाती गाड़ी। वैसा गाइज अब चलिए चलते हैं ऊपर घर की तरफ। तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवाया हमने? नहीं ना, बहुत कम। तो हमारे ड्राइवर साहब इंतज़ार कर रहे थे थोड़ा। फाइनली पहुँच गए घर। बाकी बताया मैंने आपको, सीखेंगे कल से, आज कुछ ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे क्या, कल से सीखेंगे बढ़िया तरह से। यार कल तो मैं बिजी हूँ। आज कल दोस्तों सैर है, हिंदी में सैर बोलते हैं लेकिन हमारे शायरी कहा जाता है, यानी जो भादो महीने के बाद महीना आता है इसको हम शुभ मानते हैं, काफ़ी शुभ मानते हैं, इसलिए कल का दिन हम अच्छे से मनाते हैं। अपने बड़ों को जूब दी जाती है, फिर वो आशीर्वाद देते हैं अपना। और उसी उपलक्ष्य पे आज जो शायरी से पहला दिन होता है, आज हम शायरी की पूजा करते हैं। शायरी की पूजा मैं बताता हूँ आपको कैसी होती है, क्या क्या करते हैं। फ़िलहाल अभी शायरी आई है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आती है शायरी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, ये आ गई है शायरी हमारे घर में। शायरी का मीनिंग दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो ये लाई गई है, ये मक्की है, कुछ और फसलें हैं इसमें, दो तीन चार फसलें हैं, ये फूल लगाया गया है। तो जो हमारी फसलें होती हैं वो पक जाती हैं, तो आज के दिन उनकी फसलों की पूजा की जाती है। तो कुछ ऐसा ही होता है। और इनको नीचे नहीं रखा जाता, इनको चावल के किसी बर्तन में रखा जाता है, क्योंकि ये भी एक तरह का अन्न ही होता है, मत कर। और इसकी पूजा की जाएगी अभी थोड़ी देर में, साथ में दीपक जला हुआ है। अभी हमने कुछ एक रोटी और भल्ले बनाए हुए हैं, तो उनको भी यहाँ रखा जाएगा प्रसाद के तौर पे। तो वैसा वैसा होता है, अभी थोड़ी देर में पूजा करेंगे हम लोग। हेलो गाइस, ये चिची पाडकू आई थी। बहुत मेहनत लगती है इसको हंसाने में, कई बार इसकी मम्मी देखिए हंसती रहती है। चौबी जान जा, मैं टीका लगा रहा हूँ। जय हो शायरी माता, हमारे द्वार आए आप, हमारे यहाँ बाहर लीजिए प्रसाद। ऋषि गाइस अब हो गई है पूजा भी, शायरी की पूजा हो गई है। अब बस हम ये प्रसाद लग चुका है, अब प्रसाद बांटेंगे हम। आज के ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों, कल आपको बताएंगे हम शायरी किस तरह से मनाते हैं, किस तरह से जूब देने हम घर घर में जाते हैं अपने बड़ों के। तो मिलेंगे आपसे कल इसी समय एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा।